की जो नीलेश राणे ने पिछले हफ्ता शाम टीवी को मुलाकात देते टाइम ये कहा कि मुसलमानों ने आरक्षण के लिए अगर अपना हक मांगने की कोशिश की और वो हक मांगने के लिए अगर लोकशाही मार्ग से भी रास्ते पे आते हैं तो उन्हें वापस घर जाने नहीं देंगे, उन्होंने बताना वो अगर रास्ते पे आते हैं तो हम उनको जाने नहीं देंगे। इस तरह से उन्होंने हेट स्पीच की, मुसलमानों का अपमान किया और संसद का अपमान हुआ, हमारे भारत देश का अपमान हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि नीलेश राणे की भी आमदारकी रद्द हो। जो आप देख रहे हैं झीरो न्यूजच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। संसदेची सुरक्षा भेदणारे भारताविरुद्ध पाकिस्तानातील हस्तकला माहिती देणारा गौरव पाटील तसेच मुस्लिमांचे विरुद्ध हेट स्पीच करणारा नितेश राणे यांच्यावर कारवाई करण्याची अल्पसंख्याक समाजाची मागणी। जळगाव शहरातील अल्पसंख्याक समाजातील विविध संघटनेच्या वतीने सुरक्षा कवच भेदत संसदेवर चार तरुणांनी केलेल्या हल्ल्याचा निषेध, तसेच मुंबई एटेसने महाराष्ट्रातील जळगाव येथील गौरव पाटीलला भारतातील प्रतिबंधित क्षेत्रातील गोपनीय व संवेदनशील माहिती पाकिस्तानच्या गुप्तचर विभागाला हस्तकांना दिल्याने अटक केली, त्याचा सखोल तपास करण्यात यावा। भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी मुस्लिम समाजाच्या विरुद्ध असंसदीय भाषा हेट स्पीच जीवे मारण्याची धमकी दिली, या तिघा प्रकरणाचा तीव्र निषेध करण्यात येऊन संबंधितावर कडक कारवाई करण्याची मागणी महामहिन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू याच्याकडे जिल्हाधिकारी जळगावमार्फत निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे। सदरचे निवेदन निवासी जिल्हाधिकारी सोपान कासार यांना दिले। शिष्टमंडळात मान्यवर बिरादरीचे अध्यक्ष फारूक शेख, कुल जमातीचे अध्यक्ष सय्यद चांद, राष्ट्रवादी अल्पसंख्याक सेल जिल्हाध्यक्ष मजर पठाण, MIM चे जिल्हाध्यक्ष अहमद शेख, काँग्रेस अल्पसंख्याक महानगराध्यक्ष अहमद पठाण, BYF चे अध्यक्ष शिबान फाईज, शिकलकर फाउंडेशनचे अध्यक्ष अनवर खान, इमदाद फाउंडेशनचे सचिव मतीन पटेल, तुंबापूर फाउंडेशनचे अभिषेक आदिंची उपस्थिती होती। तारीख को संसद पे हमला हो सकता है तो भी हमारी सिक्योरिटी इतनी गाफिल क्यों रही, इसकी जांच होनी चाहिए, उन पे एक्शन होना चाहिए। जो दोनों युवकों ने अंदर स्मोक स्कैडल फोड़ा है उन पर और बाहर फोड़ा उन पर, लेकिन हमारी ये डिमांड है कि उनको जिन खासदार ने, जो हमारे मैसूर के खासदार भाजप के, जिन्होंने बिना तहकीकात उनको पास दी, उनकी भी चौकसी होना चाहिए और चौकसी होने तक के उनका खासदारकी का पद को सस्पेंशन किया जाना चाहिए कि बिना किसी वेरिफिकेशन के उन्होंने उन चार युवकों को कैसी पास दी। तीसरी हमारी ये डिमांड है कि जो ATS ने बम्बई में कल जो जलगांव का गौरव पाटिल लड़के को अपने हाथों लिया है, जो पाकिस्तान के साथ ये कर रहा था, हेरगिर कर रहा था और अपने सब राज भारत के राज उनको सौंप रहा था, उस पर भी एक्शन होना चाहिए। उसके साथ जलगांव में उसके जो जो पॉलिटिकल और सोशल संबंध है उन लोगों की भी चौकसी होना चाहिए, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। इसके साथ ही जो नीलेश राणे ने पिछले हफ्ता शाम टीवी को मुलाकात देते टाइम ये कहा कि मुसलमानों ने आरक्षण के लिए अगर अपना हक मांगने की कोशिश की और वो हक मांगने के लिए अगर लोकशाही मार्ग से भी रास्ते पे आते हैं तो उन्हें वापस घर जाने नहीं देंगे, उन्होंने बताना वो अगर रास्ते पे आते हैं तो हम उनको जाने नहीं देंगे। इस तरह से उन्होंने हेट स्पीच की, मुसलमानों का अपमान किया और संसद का अपमान हुआ, हमारे भारत देश का अपमान हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि नीलेश राणे की भी आमदारकी रद्द हो। जो हमारे संसद पे जिन्होंने हमला किया उनकी और जो खासदार ने उनको दिया उनकी भी खासदार की रद्द हो, और साथ ही जो बम्बई में पकड़ा गया जलगांव का लड़का उसकी भी पूरी तह तक चौकसी हो। इसलिए आज हमने यहाँ पे RDC सोपान कासार साहब को एक निवेदन दिया, जो कि आज संप पे होने के बावजूद उन्होंने हमारी भावनाओं को देखते हुए हमारा मेमोरेंडम को एक्सेप्ट किया। इसलिए हमने उनको कहा कि हमारी ये भावनाएं आप राष्ट्रपति महोदय को बता दो, उन्होंने वादा किया और हमारा निवेदन स्वीकारा। धन्यवाद। फारूक शेख, अध्यक्ष, जलगांव जिला मुस्लिम मन्यार बिरादरी।